हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेट्रो होटल के पीछे का जो एरिया है, माडा कॉलोनी जिसको कहा जाता है, मैं वहां पर मौजूद हूं। मेरे पीछे का एरिया आप देख ही रहे होंगे कि बारिश शुरू हो चुकी है और भिवंडी के माडा कॉलोनी का ये एरिया कितना बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा आपको दे रहा है, आप देख ही रहे होंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भिवंडी शहर के सारे नेता, सोशल वर्कर, महानगर पालिका, MP, MLA, मेयर, जितने भी लोग हैं, क्या उनमें से कोई भी बंदा यहाँ से आकर शॉपिंग करता है? ये जो आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, ये मार्केट है जहाँ पर सब्जी भाजी, खाने पीने की, फूड नॉन फूड, आपको हर चीज़ की यहाँ पर दुकान मिलेगी। ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ का एरिया, दूसरे लोगों का जो एरिया है वो आकर यहाँ से शॉपिंग करता है। और ठीक आप देख सकते हैं इस तरफ चिकन मटन की दुकानें हैं, आजू बाजू में होटलें हैं। कौन सा ऐसा MLA है, कौन सा ऐसा नगर सेवक है या कौन सा ऐसा सोशल वर्कर है जो यहाँ पर आकर शॉपिंग करता हो, इस एरिया में आकर पैदल चलता हो, इस एरिया में अपने घर वालों को भेजता हो, अपने मोहल्ले वालों को भेजता हो कि जाओ और आज यहाँ से शॉपिंग करके आओ? भाई वो तो मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं। लेकिन जो इस गरीब बस्ती में जो लोग रहते हैं, क्या उनकी हालत ऐसी होनी चाहिए? क्या उनकी जो कंडीशन है उनके एरिया की वो ऐसी होनी चाहिए? ये क्या नगर पालिका को और जो सारे नगर सेवक रह चुके, क्या उनको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती? अगर नज़र आती है तो ये साफ़ सफाई आखिर होती क्यों नहीं है? चलिए यहाँ के कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर ये जो मामला है ऐसा, ये कब से है और यहाँ पर सफाई आखिरी बार कब हुई थी? क्या कहना चाहोगे भाई इसके बारे में? पहले तो सबसे पहले मैं भिवंडी टाइम्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और यहाँ के नगर सेवक जो भी हैं हमारे बिलासा साहब और या उनके जो वर्कर हैं अपना प्रकाश भाई करके, तो उनको चाहिए कि ये हमारे यहाँ आकर ये अब उनका एरिया लगता है तो यहाँ की गंदगी को ध्यान दें, और नहीं ध्यान देते हैं तो ये MSEB के कुछ लोग को आना चाहिए, हाँ म्यूनसिपाल्टी के लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्यों नहीं आते और यहाँ के लोगों का ख्याल क्यों नहीं रखते। ठीक है, अच्छा ये कितना टाइम हो गया कि ये सब ऐसे ही पड़ा है यहाँ पर? ये कुछ अभी यहाँ पे कुछ ज़मीन का विवाद चल रहा था बीच में, हाँ तो फिर उसके बाद यहाँ जो घेराबंदी हुई है कुछ म्यूनसिपाल्टी ने आकर तोड़फोड़ भी किया था और तोड़फोड़ होने के बाद फिर से पत्रा मारा गया है और यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई गई है, हाँ और यहाँ के लोगों का भी। सफाई आखिरी बार यहाँ कब हुई? सफाई आखिरी बार कम से कम तकरीबन दो महीने से ऊपर हो गया होगा, कोई बंदा नहीं आया है और म्यूनसिपाल्टी के लोगों को से अनुरोध मैं करूँगा और आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि वो आकर यहाँ पे देखें। तो अब चलिए यहाँ से आपको लेकर चलते हैं कि ये जो एरिया है पूरा माडा कॉलोनी का, ये आपको दिखाते हुए चलते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं और सर्वाइव करते हैं इस गंदगी में, इस कीचड़ में। अभी ये बताइए, ये पूरा रास्ता है, अब इस पूरे रास्ते पर जो है कचरा जाम है, लेकिन लेडीज़ देखिए कहाँ से चल के जा रही है, आप दिखाइए ज़रा। ये लेडीज़ ऊपर दीवार पे से, लेडीज़ और बच्चे जो दीवार बनी हुई है ये उस दीवारों पे से चढ़कर रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं। अगर ये वहाँ से गिर गए, किसी का हाथ पाँव टूट गया, बच्चे हैं बूढ़े हैं, तो क्या होगा, उनका जिम्मेदार कौन होगा? बहुत ख़राब बदबू आ रही है भाई, इधर आ जाओ, जिनको बोलना है इधर आकर बोलो, जरा ऊपर चढ़ के जरा दिखाओ, देखो वो रिक्शा है, गाड़ी है, वो किस तरीके से जाएगी, अभी दिखाइए जरा कि कैसे यहाँ से सवारियाँ भी किस तरीके से। एक मिनट, अरे यार मैं भाई 15 दिन से इतनी परेशानी है, दो लेडीज गिर गई है ऊपर, देखो लेडीज को देखो कैसा चढ़ते हुए आ रही ऊपर से, दो लेडीज क्या कितनी तकलीफ होती है आप लोगों को यहाँ से आने, इतनी गंदगी होती, चलने नहीं होता, देखो ना अभी लेडीज, दो लेडीज गिरी है भाई, अभी इतना खराब लगा है, कम नहीं है लेकिन जो है तकलीफ पूरे मोहल्ले को। अच्छा ये सफाई यहाँ पर कितने दिनों से नहीं हुई? ये 15 दिन से 18 दिन होने आया है, अभी तक के काम नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई, ऐसी तकलीफ हो रही है कि बाइक से भी आ नहीं सकते ना, पैदल भी आ नहीं सकते, अब तो ऐसा टाइम आ गया घर में रहना पड़ेगा। क्या मतलब कि ये कब से है ये प्रॉब्लम, आप कुछ बता सकते हैं? ये तकलीफ तो बहुत पहले से ही चढ़ रही है, पर ये जो अभी खोद के डाले है ना, तो ये साफ भी नहीं, उठा भी नहीं रहे। कब डाले ये खोद के, कितना दिन हो गया उसको? 15-20 दिन हो गए, हाँ ऐसे ही पड़ा है, ये ऐसे ही पड़ा है, कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे और कोई आ नहीं रहे। शुक्रिया। अरे बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे, पूरा कचरा फेंक के रखे, माँ बहन लोग को जाने में तकलीफ हो रही हो, किचड़ में से पूरा इतना पानी ले गए, मतलब जा रहे और पूरा खराब हो रहा है, कपड़ा खराब हो रहा है, वापस जाके घर जाके नहाना पड़ रहा है, फिर बहुत तकलीफ हो रही। मतलब जी खाला क्या बोल रहे हैं भाई? नमाजी लोग को तो इतनी ज्यादा तकलीफ है कि पूछो मत। अच्छा कब से है ये यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम? हो गया 1 हफ्ता 15 दिन हो गए, हाँ ऐसे ही है, एक हफ्ता 20 दिन हो गया होगा, ये साफ करके चले गए, इसे लावारिस लोग की तरह छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद फिर मतलब
इधर ध्यान नहीं दिए, वहाँ का बाद में खोदे, ये नाले का बाद में खोदे, वहाँ का तो तुरंत सफाई हो गई, दूसरे दिन में तो तुरंत सफाई हो गई, और यहाँ लावारिस लोग की तरह छोड़ दिए। इतनी छोटी सी जगह बची है, यहाँ एक गाड़ी जाती है तो दूसरी गाड़ी को रुकना पड़ता है। अभी आपको बता दूं कि ये जो नाले की जो गटर की सफाई हुई है, गटर की सफाई का पूरा कचरा वो शायद प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसके लिए वहां पर ना फेंकते हुए सरकार ने अपने ही कचरे को अपनी जमीनों पर अपने ही रास्ते में डाल दिया ताकि पब्लिक को प्रॉब्लम हो, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रॉब्लम ना हो। अब अगर उन्होंने ये कचरा यहाँ पर डाल ही दिया था तो उनको चाहिए था कि फटाफट यहाँ पर उठा ले, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। आप देख ही सकते हैं कि किस हालत में लोग यहाँ पर आ रहे जा रहे हैं और क्या कंडीशन है यहाँ के एरिया की। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए, ये नया रास्ता लोगों ने खुद बखुद ईजाद कर लिया है दीवार पे चलने का, और अपने आप से ही वो बैलेंसिंग कर रहे हैं, और इनकी फिजिकल ट्रेनिंग जैसा लग रहा है कि चालू हो गई है। महानगर पालिका ने इनकी सेल्फ फिजिकल ट्रेनिंग चालू कर दी है, क्योंकि उनका ये जो काम है रास्ते की सफाई का वो तो उन्होंने किया नहीं, तो अब उन्होंने ये कर दिया है कि बच्चे जो है ना थोड़ा सा अपना बैलेंस बनाना सीख ले कि किस तरीके से दीवार पे चला जाए। आगे चल के सर्कस में काम करेंगे, रस्सियों पे चलेंगे, हम खुद भी ऐसे ही चलते हुए जाएंगे, देखेंगे गिर गए तो गिर गए, नहीं तो फिर निकल जाएंगे तो पार हो जाएगी नदियाँ। चलो आ जाओ भाई, देखिए लोग किस तरीके से जाते हैं। ये बच्चे लोग जरा हट जाओ साइड में, आप लोग छलांग मार मार के जाना पड़ेगा क्या? आ जाओ, सीढ़ी चढ़ के आएंगे। आ जाओ भाई, सीढ़ी चढ़ते हुए जाएंगे। क्या बात है, माडा कॉलोनी में ऐसा भी एडवेंचर देखने को मिलेगा, ये सोचा नहीं था। बेटा एक मिनट, हाँ इधर कुआं उधर खाई जाएंगे, कहाँ सबकी शामत आई। अब दिखाओ दे, अब दिखाओ जरा यहाँ से भी कि वो एरिया तो क्रॉस करके हम लोग आ गए, ये पूरा रोड है और वो गटर है, नाला है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बना हुआ तो कुछ है नहीं, बस ऐसा ही है। उसके अंदर जो भी कचरा फंसा हुआ था उसको निकाल कर बाहर रख दिया गया, अब इस मोहल्ले को गंदगी से भर दिया गया, अब लोग झेल रहे हैं। जी भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग निकाले हैं वो किस काम के लिए निकाले, या तो साफ करने के लिए निकाले हैं या फिर लोग उसके अंदर घुस के जाने के लिए और रोड पे कीचड़ फैलाने के निकाले हैं। तो देखकर ऐसा लगता है कि और गंदा करने के लिए निकाला गया। दूसरी बात ये है कि मैं जिसका जिम्मेदारी है इसको साफ सफाई करवाने का, क्या उसके मोहल्ले में ऐसी रहती है या फिर खाली हम लोग का मोहल्ला मतलब ऐसा है? बहुत अच्छी बात कही भाई ने कि जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है, जिनके अंडर में चीज़ें आती है, क्या उनका एरिया भी ऐसा ही है जैसा उन लोगों ने यहाँ पर करके रखा है? बहुत सही बात बोली भाई आपने। वैसे कितना टाइम हो गया इन सारी चीज़ों को ऐसे इसको निकाल के? एक हफ्ता सुपर होने से होते जा रहा है और अभी बारिश हो रही है, तो क्या यहाँ पे लोग बीमार नहीं पड़ेंगे क्या? यहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा थोड़ी कमाते हैं, जो बीमार पड़ेंगे फट से जाके दवा करा के लेके आ जाएंगे अपना। और दूसरी बात यह है कि अभी यहाँ पे मार्केट लगती है, तो मार्केट से हमारे मोहल्ले में बहुत से लोग आते हैं, तो आएंगे तो क्या हम लोग थोड़ी बोलेंगे? लोग जो यहाँ का जो मतलब देखभाल जो करने वाला है, नगर सेवक रह चुका है जो, अभी तो नगर सेवक कोई है नहीं, अभी तो नगर पालिका के अंडर में सब कुछ, तो अभी लोग उसी को बोलेंगे ना, हम लोग थोड़ी बोलेंगे? हमारा काम तो भाई लाके फेंकना, और कचरे की गाड़ी जो है वो कभी आती है 12 बजे, कभी आती ही नहीं है, हर 2 दिन पर आती है। अब की गाड़ी यहाँ पर हर 2 दिन में आती है, 2 दिन पर आती है, तो 2 दिन तक थोड़ी कोई लेकर इंतजार करते रहेगा, कचरा बास मारने रहेगा ना भाई, तो लाख उसका कचरा तो अभी बास मार रहा है इतना ज्यादा यहाँ पर जो कंडीशन वो दिख रही है। अच्छा, इससे और क्या क्या तकलीफ होती है आप लोगों को? बहुत सी तकलीफ होती है जाने आने को, पूरा वहाँ से लोग घूम के पूरा जाते हैं, वो भाजी मार्केट है पता ना कौन ला रख ला के वहाँ पे चढ़ के जा रहे हैं। हाँ वही तो, इधर दीवार पे चढ़ के जाते हैं, मान लो कोई गिर गया हाथ पर टूट जाए उसकी दीवार को लेगा। क्या बोलने का, इतनी भाषा बात आ रही है कोई हद नहीं है, और जाने के लिए रास्ता नहीं है, और क्या बोलने का भी बताओ, यही हाल है। क्या बोलने का, कुछ बोलने के लिए है नहीं, इससे क्या क्या तकलीफें होती हैं आप लोगों? भाई ना जाने के लिए रास्ता नहीं होता है, वो दीवार पे चढ़ के जा रहे बच्चे, गिरेंगे पड़ेंगे कुछ ना कुछ, क्या से है ऐसा ही प्रॉब्लम? कम से कम ये 5 दिन हो गए लगभग सफाई उठाए नहीं लोग, नहीं उठाए। नगर पालिका को चाहिए कि जिनको भी ये ठेका दिया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आप लोग साफ सफाई करिए और कचरा उठाइए, तो उनको चाहिए ना कि नगर पालिका उनको टाइट करे। हमारा वीडियो आपने आप देख ही रहे होंगे कि हम अलग अलग एरिया में जा जाकर आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां पर सफाई की गई है, मगर कचरा 10 दिनों से 20 दिनों से उठाया नहीं गया। तो नगर पालिका को चाहिए कि उनके ऊपर इंक्वायरी बैठाए कि भाई वो लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे कचरा। यही सब तुम्हारे सामने यही हाल है, आने जाने की तकलीफ, चेंबर का पानी बह रहा है, ये लोग अपनी मन मर्जी से, ये देखो रोड के ऊपर मट्टी डाल के रखे, रोड ऐसा हो गया इनके घरों का है, तकलीफ हो रही है रोज बच्चों को आना जाना, हमारे को आना जाना, आदमी आएगा जाएगा कैसा? नगर सेवक नहीं है तो म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन तो कुछ काम करना चाहिए, कमिश्नर को तो कुछ करना चाहिए यहाँ के, कि हमारा काम है कमिश्नर के पास हम लोग जाए। कितने सालों से ये प्रॉब्लम आप लोग झेल रहे हैं? सालों से क्या बताएं, कई सालों से इसी चल रहा है। कुछ अंदाजा 5 साल 10 साल 15 साल? 10 साल तो ही गया है, ऐसा ही है। कभी कोई काम होता हुआ नजर आया आपको इस एरिया में? कोई काम नहीं, गटर के अलावा कोई काम नहीं होता, गटर का काम भी होता है तो 1 महीने में 2 महीने में 1 गली का नंबर आता है, उधर मट्टी भर के रखे, रोड है किधर, फिर पानी नहीं भरेगा, चेंबर नहीं जाम होगा तो क्या होगा? पर ये जो भाई कह रहे हैं ना वो इसके बारे में बता रहे हैं कि आप देखिए ये जो इन्होंने घरों के सामने इन्होंने जो इतनी मट्टी डाल दी है, असल में ये रोड है,
ये जो पूरा है, ये पूरा रोड है, उन्होंने अपनी तो सेफ्टी कर ली, अपने घर के बाहर की तो सेफ्टी कर ली, लेकिन यहाँ पर ये जो रोड है, ये पानी बहेगा किधर, पानी जाएगा किधर, गटर तो वहां पर है। आइए मैं आपको दिखा दूँ गटर कहाँ पर है। ये यहाँ से गटर है पूरी, वो ये जो पूरे आप देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता है, ये गटर वहां पर है। वो जो साइकिल खड़ी है आप देख सकते हैं, गटर वहां पर है। आप गटर के ऊपर लोगों ने इस तरीके से अगर ये बांध दिया है, बांध काम कर दिया है, बांध काम नहीं बोल सकते, जो मिट्टी है, गिट्टी है, जो भी है, उन्होंने डाल दिया है, तो अब ये क्या होगा? अगर इसको सफाई करना भी चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है, ये पब्लिक की भी और यहाँ के रहने वालों की भी उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी सेफ्टी करने के लिए गटर को ढाक देते हैं, बंद कर देते हैं, फिर जिसकी वजह से सारी गंदगी वहीं जमा रहती है। सफाई करने वाले आएंगे, उनको सफाई करने का मौका नहीं मिलेगा, तो सफाई नहीं करेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, फिर बिल उन पे फटती है कि भाई आप लोगों ने सफाई नहीं की, जबकि वो लोग सफाई करते ही नहीं है। वो बात सही है, लेकिन उनको एक रीज़न मिल जाता है सफाई ना करने का कि मोहल्ले वालों ने गटर के ऊपर ये कर लिया है, वो कर लिया है, तो हम कैसे साफ़ करेंगे, ये उनको रीज़न मिल जाता है। ये पानी भरा है, चेंबर भरा है, गटर भरी है, साफ करने का कोई म्युनिसिपैलिटी का कोई आदमी नहीं। पब्लिक पैदल कैसे चलती है, मैं तो वो हैरान हूँ। जा रही है पानी में से, गंदे पानी में जा रही है, क्या करेंगे, मजबूरी, आना जाना पड़ रहा है, घर है, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं। तो ये देखा कि अभी साइड साइड में तो दोनों तरफ बाइक खड़ी हो गई, तो पब्लिक आ ही जाएगी कहां से। तो चलो लोगों के रोड पर घर है, आदमी खड़े कर देता है, लेकिन जिसके पास बाइक नहीं है वो आदमी क्या करे, वो कैसे आएगा जाएगा। बाइक है तो आदमी को एक थोड़ा वो है कि भाई 100 लोग रहते हैं उसमें से 20 लोग गाड़ी से आ रहे जा रहे हैं, बाकी 80 लोग तो पानी में ही आ रहे जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। ये जो गंदा पानी आप देख रहे हैं, ये सारा चेंबर पानी है, चेंबर का पानी, और कुछ पानी ये मट्टियों की वजह से इधर आगे जमा हो गया है। सब अपना अपना सेव कर लेंगे, एक गाड़ी मट्टी यहाँ पर लाकर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा। घर का पानी है ना, सब ये हमारी गली में जाता है, उधर से सब पानी आता है, पूरी तकलीफ होती है, हमारे को बच्चों को तकलीफ होती है, और आने जाने को बिल्कुल दिक्कत ही है। आप देख रहे हो कैसा रास्ता है, और पूरी दिक्कत हो रही है हमारे को आने जाने की। इतना साल हो गया यहाँ पर गटर बने हुए या सफाई हुए? ये तो 2-2.5 साल से हमारा इसी दिक्कत चल रही है। इसके पहले साफ होता था? पहले भी आप आए थे और ये सब इसके बारे में इंक्वायरी करके गए थे, ये घर के अंदर भी तुम आप घुस के गए थे, वो भी देख के गए थे कि हमारी पोजीशन क्या चल रही है, गटर साफ होती नहीं है, गंदगी सब रोड पे रहती है। ये हुआ सारा मसला हल हुआ कि नहीं? हुआ ना, ये है ना मसला हल होता ही नहीं है, खाली आते कर्मचारी आते हैं, खाली देखते दिखाते और बोले उनको तो करके अपना निकल जाते हैं, साफ सफाई कुछ साफ सही होती नहीं है। अली अपना एरिया साफ करता है और अपने एरिया में चमकाया है, माडा कॉलोनी में कुछ नहीं किए, खाली जहाँ वो रहते हैं नगर सेवक और म्युनिसिपैलिटी, वो लोग जहाँ रहते हैं उसको साफ किया हुआ है। उनके एरिया देखो कितना साफ सफाई है, कितना चमका है, ये माडा कॉलोनी में खाली इलेक्शन आएगा तो आते हैं बस। यहाँ पर सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं कि भाई बराए मेहरबानी इस बार हमको वोट देना, हम आपका साथ देंगे, वोट दे दिया बात खत्म, तुम कौन हम कौन, और मोहल्ले को वैसी लावारिस छोड़ देंगे, और सारा काम उनके एरिया में होता है। बराबर सब उनके एरिया में होता है, जाके उनका एरिया देखो कितना साफ सफाई है, कितना बनाए हैं। सही बात है चाचा की, बिल्कुल सही बात बोले चाचा ने। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दिखाओ देखो कैसे जा रहे हैं लोग, पूरा रास्ता तो ये है। हालांकि अगर इस रास्ते को अच्छी तरीके से बना दिया जाए, यहाँ पर या तो डामर बिछा दे, या तो ब्लॉक लगा दे, या तो कुछ और रेडी गिट्टी जो भी है वो करवा दे, तो पब्लिक जो है वो इजीली यहाँ से जा तो सके, पब्लिक जा ही नहीं सकती है। देखिए ये पूरा चेंबर जो है वो भर कर बह रहा है। बताओ ये किसकी जिम्मेदारी है कि ये कितना टाइम हो गया होगा कि ये यहाँ पर सफाई नहीं हुई, और आज जब बारिश शुरू हो चुकी है तो अब ये पूरा का पूरा जो पानी है वो प्रेशर से बाहर आ रहा है, और बाहर आकर पूरा रोड पर आकर पूरा रोड पूरा एरिया को गंदा किया हुआ है। ये अनवार रजा मस्जिद के ठीक बाजू में अगर आप देखेंगे तो गटर आप देख लीजिए पूरी की पूरी फुल है, पूरी की पूरी गटर चौकअप है। हमने पिछले साल आपको यहाँ पर दिखाया था जब रात के वक्त पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भर गया था, तो हम खुद यहाँ पर आकर आपको दिखाए थे कि ये एरिया तकरीबन कमर कमर तक यहाँ पर पानी था। रीज़न क्या है? रीज़न यही है क्योंकि जो पानी गटर के अंदर से जाना चाहिए, गटर पूरी फुल है तो गटर का पूरा पानी बाहर फेंक रहा है, जिसकी वजह से पूरा ये एरिया है वो भर जाता है। यहाँ पर आज मस्जिद है, दुकानें हैं, घर हैं लोगों के, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन शासन प्रशासन जो है इन सब चीज़ों पर ना आँख बंद करके बैठा हुआ है। क्या बोलेंगे भाई इन सब चीज़ों के बारे में कि हर साल यहाँ पर पानी भरता है बारिश? साल के 365 दिन का यही हाल है हमारे उधर का, हमेशा 365 दिन, हम तो 4 महीना सोच रहे थे, हमेशा का यही हाल है हमारे उधर। जब हमारे गाँव की गटर जाम होती है, कुछ होती है, कोई आता थोड़ी ना हमारे पास साफ सफाई करने। अच्छा कितना साल हो गया, 5 साल 10 साल 15 साल कितना साल हो गया कि ऐसा ही है? 6 साल हो गया रहते हुए। आप देख रहे हैं, देख रहे हो, हर मेरे एरिया में भी वही हाल है, पीछे साइड में माड़ा कॉलोनी में भी वही हाल है, हमेशा बाहर जगह पानी भरता है। आपने आखिरी बार यहाँ सफाई होते हुए कब देखी है? कुछ है आपको याद है? अभी तक के तो मैंने देखा हो कि जब से अभी बारिश अभी चालू हुई है, इससे पहले हमारे यहाँ साफ सफाई चालू थी, अभी तक तो नहीं हुई है। माडा कॉलोनी में जब आप बाजार की तरफ से एंट्री करेंगे तो ये चौराहा है, एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता उधर जाता है, और एक रास्ता मार्केट की तरफ जाता है, और उस रास्ते के बीच में ही देखिए आप ये जो गटर जो भी बनी हुई है, ये गटर की कंडीशन देखिए आपकी क्या है,
यहाँ पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, गाड़ियों वाले से पूछते हैं क्या तकलीफ होती है भाई यहाँ से आने जाने में? ये पानी बहते रहता है यहाँ पे। अच्छा। और पूरा चेंबर का गड्ढर का भी आता है, चेंबर का भी आता। गाड़ियाँ आसानी से ले जा सकते हो? नहीं, तकलीफ होती है, ये भी है इतना बड़ा गड्ढा, और बारिश का टाइम आने वाला है, बहुत ज्यादा ही तकलीफ होगी। रिक्शे के अंदर छोटे छोटे बच्चे और कुछ बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अब ये इतना बड़ा बड़ा गड्ढे जो यहाँ पर है, अगर इसके अंदर गाड़ियाँ चली जाएंगी तो ये जो बैठे हैं अंदर उनका क्या हाल होगा? सोचिए आप कि नगर पालिका है तो ये आखिर इन सारे रस्तों पर, इन सारी एरिया पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि ये सारा जो एरिया है, रास्ता है, और इस तरीके के जो गड्ढे हो प्रॉपर तरीके से बनाए जाएं ताकि चौराहा तो एटलीस्ट सेफ रहे। तो कोई काम करता नहीं है, खाली बस आते हैं और टाइम पास करके चले जाते। आगे 3 दिन से ना ड्रेनेज का इतना गंदा पानी जा रहा है जिसकी कोई उम्मीद नहीं। आगे मदरसा, इधर मस्जिद है, इधर देखोगे तो आप पूरा ड्रेनेज का पानी, ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे लोग रहते ही नहीं, इंसान है ही नहीं, जानवरों से बदतर समझ लिया गया, जानवरों से बदतर। कोई किसी की चीज की एक सहूलत नहीं है किसी को, ना पानी की है, ना गटर की, देख लो आप रास्ते की, कुछ भी नहीं है। जो भी आएगा अपना खाली बस आएगा, काम देखेगा, हाँ हो जाएगा, कोई कुछ नहीं, खाली टाइम पर। क्या बोल, यहाँ जितने आते हैं ना पीछे बाजू काम करेगा, अच्छा यहाँ आएगा, बोलती हूँ कि भाई करो, रोज चिल्लाती हूँ, कुछ सुनता है, बोलता हाँ हो जाएगा। हम लोग के छोटे छोटे भाई बच्चे हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, मांगने खाने वाले हैं, हमारा आदमी मजबूर विकलांग है, पानी बहता, बोलती हूँ भाई साफ कर दो, देखो आ कचरा बड़ा है, 2 महीने चिल्ला रही हूँ, 4 महीने से, हाँ बोलता करता हूँ, करके निकल लेता, कुछ नहीं करते, बस खाली उनको बोलते हैं मुझे चिकन दिलाओ 2 किलो, बकरे का गोद दिलाओ, तब मैं करता हूँ, मैं गरीब आदमी कहाँ पैसे। इस तरीके से सफाई करने वाले बोलते हैं, सफाई करने वाले बोलते हैं, फिर वहाँ बैठे रहेंगे, मैं बोलती करो ना भाई, हाँ करके जाता, सब लोग निकल लेते, कोई कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, कुछ ये, नहीं। ये, 4 महीने में चिल्ला रही, मैं भी इंसान हूं, जानवर नहीं हूं, हमारे भी बच्चे हैं, छोटे छोटे इंफेक्शन होता, बीमार होता, मैं कितना दवा कर रही हूं, अभी तक कर रही हूं, प्रकाश भी नहीं सुनता, बोलता नहीं बहे, नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। प्रकाश कौन है? प्रकाश है इनके सब, हाँ काम करवाता है ना, जितने जहाँ आदमी देखेगा वहाँ करेगा, रोज गटर सबको गाड़ी ले ले जाता, पीछे उधर की तरफ काम करता, इधर मेरा नहीं करता, मैं बोलती भाई ठीक है पानी बहने का व्यवस्था तो कर दो, करो या ना करो कुछ चीज, सही बात है ना कि कम से कम ये निकल तो जाए, थोड़ा से नाली खोद दो, थोड़ा थोड़ा अगर पानी जाएगा तो हम लोग की भी तकलीफ नहीं होगी, नमाजी लोग की भी तकलीफ नहीं होगी। इन लोग बहुत हैरान करें, कुछ नहीं करते काम वाले। एक तो ये जो सिस्टम है ना कि नगर सेवकों ने या नगर पालिका ने अलग से जो आदमी रखे हुए हैं अलग अलग एरिया में काम करने के लिए, उन आदमियों ने क्या किया है, उन्होंने ना अपने अपने मोहल्ले के लोगों का ना चेहरा समझ लिया है कि भाई इनका काम करने का, इनका नहीं करने का, इनका काम करने का, इनका नहीं करने का। सबसे पहले तो इनको पकड़ो और इनको समझाओ कि भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग, आप लोगों ने पूरे मोहल्ले का ठेका लिया है, ना कि कुछ घर का, या तो फिर उनकी कुछ पर्सनल इनकम होगी वहाँ से, जिसकी वजह से वो उनको ही खाली टारगेट करते हैं और उनका ही साफ करके देते हैं, उनके एरिया का, उनके आसपास का जो घर का है वहाँ की सफाई हो जाती है। अभी आपको दिखा दो एग्जांपल, यहाँ पर ये देख लीजिए आप, ये घर है सामने, और घर के सामने ये आप देख लीजिए कि ये घर के सामने किस तरीके से पूरी गटर जो है वो भरी हुई है, पूरे गटर का पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है, ये दरवाजे के सामने से आप देख लीजिए, ये पूरा पानी जो है रिटर्न होकर ये पूरा घर के सामने जाते हुए ये पूरा रोड पर जा रहा है।